दादा को टैलेंट की भी अच्छी परख थी। अपनी कैप्टनसी के टेन्योर के शुरुआत से ही गांगुली ने कुछ खिलाड़ियों को पहचान लिया था जो स्पेशल टैलेंट और टेम्परामेंट रखते थे। जब भी हम बात करते हैं सौरभ गांगुली की, तो इनके लिए न्यूट्रल रहना काफ़ी मुश्किल होता है। या तो लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं या तो बिल्कुल नापसंद करते हैं। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और जुझारू क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली या दादा ने इंडियन क्रिकेट टीम को जो अपनी खराब समय से गुजर रही थी उसको न सिर्फ ग्लोबली रिस्पेक्ट दिलाई बल्कि पूरी टीम को चेहरा बदल दिया। आज हम जिस अग्रेसिव और सक्सेसफुल इंडियन टीम को जानते हैं हम में से बहुतों को लगता होगा कि ये विराट कोहली या एमएस धोनी की देना है। ये गलत नहीं, पर इस टीम की नींव 2000 में ही रखी जा चुकी थी जब सौरभ गांगुली को इंडियन टीम की कैप्टनसी दी गई थी। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे सौरभ गांगुली ने इंडियन क्रिकेट टीम को सक्सेसफुल बनाने की नींव रखी। गांगुली ने 1996 में इंडियन क्रिकेट सीन में एंट्री मारी और इंडिया के एक टैलेंटेड टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की जरूरत को पूरा किया। लॉर्ड्स में अपने डेब्यू मैच में ही 131 रन को पारी खेलकर उन्होंने अपने अद्भुत स्किल्स का प्रदर्शन किया और ये स्कोर आज तक लॉर्ड्स में किसी भी डेब्यूटेंट के द्वारा हाईएस्ट स्कोर है। गांगुली को इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स में गिना जाता है। गांगुली को भारतीय टीम की कैप्टनसी उस वक्त मिली जब यह टीम अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, जब सन 2000 में भारतीय क्रिकेट टीम मैच फिक्सिंग स्कैंडल से गुजर रही थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर जैसे काफ़ी रिपीटेड और एक्सपीरियंस खिलाड़ी बैन हो चुके थे। यंगस्टर्स जैसे नयन मोंगिया और अजय जडेजा को भी कुछ समय के लिए बैन किया गया था। भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर रही थी। किसी भी खेल के लिए सबसे बुरा दौर तब होता है जब वो अपने हार्डकोर फैंस की क्रेडिबिलिटी और फैथ को खो दे, और इंडियन क्रिकेट टीम के हार्डकोर फैंस ने फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से अपना भरोसा खो दिया था और क्रिकेट देखना बंद कर रहे थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन के बैन होने और सचिन की वापस कैप्टनसी लेने से मना कर देने के बाद 27 साल के यंग टैलेंटेड बैट्समैन सौरभ गांगुली को कैप्टनसी सौंपी गई। उस वक्त तक गांगुली 9 ओडीआई और 7 टेस्ट 100 के साथ अपने आप को लीडिंग बैट्समैन के रूप में इस्टेब्लिश कर चुके थे, पर उनके कंधों पर न सिर्फ टीम को रिबिल्ड करने की बल्कि इंडियन टीम की क्रेडिबिलिटी को वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दादा ने हमें अग्रेशन, सेल्फ बिलीफ और भारत से बाहर जाकर जीतने की आदत डलवाई। कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त इंडिया मैच इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इंडियन प्लेयर्स अच्छे नहीं खेलते थे, बल्कि इसलिए आते थे क्योंकि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। दादा ने कैप्टन बनने के बाद सबसे पहले पूरी टीम को क्लीन किया, नए चेहरों को टीम में लाया गया और उन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, द्रविड़ और श्रीनाथ जैसे खिलाड़ी थे जो सिर्फ जीतने के लिए खेलते थे, और अब मैच फिक्सिंग के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। दादा ने रीजन बेस्ड सिलेक्शन को भी ख़त्म किया। उस समय मुंबई से बाहर के खिलाड़ियों को सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होना पड़ता था, पर दादा ने इसे ख़त्म किया और रिटर्नों में हमें मिले युवराज, सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह और धोनी जैसे खिलाड़ी जिन्होंने आगे चलकर हमें 2011 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए इस फाइनल जीत का श्रेय तो थोड़ा बहुत दादा को भी जाता है। दादा ने टीम को एटीट्यूड पूरा बदल दिया। वो खुद तो अग्रेसिव थे ही, पर इस अग्रेशन को पूरी टीम में भी ट्रांसफर किया। उनके कैप्टनसी में खिलाड़ियों ने सेल्फ बिलीफ रखना शुरू किया और कभी ना हारने वाले एटीट्यूड के साथ खेलने लगे। उस समय भारतीय खिलाड़ियों को शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, पर गांगुली ने उन्हें लाइसेंस दिया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और अपोजिशन टीम के स्लेजिंग को उनके तरीके से जवाब देने का। 2001 में ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि उस टाइम की सबसे बेस्ट टीम थी, उनके पास स्किलफुल खिलाड़ी तो थे ही, पर उस टीम ने स्लेजिंग को एक फाइन आर्ट के रूप में अपने खेल के तरीके में इंटीग्रेट कर लिया था और इससे ही वो डोमिनेट करती थी। पर जब इस समय ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का टूर किया तो गांगुली कई बार जानबूझकर टॉस के लिए रेड से पूछे और स्टीव वॉक को वेट कराते थे ताकि वो अपोजिशन टीम के जहन में घुस सके। इस टूर में गांगुली और उनकी टीम ने ना सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपने अग्रेशन से ऑस्ट्रेलियन टीम को चौंका दिया, और कोलकाता टेस्ट का वो फॉलो ऑन के बाद जीतना एक बड़ा कदम था। इंडिया ने 23 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराया था। इंडिया ये सीरीज तो जीत नहीं पाई, पर एक एक से ड्रॉ करवा गई। इसके बाद पाकिस्तान में टेस्ट और ओडीआई सीरीज जीतकर इंग्लैंड में नेट वेस्ट सीरीज जीतकर 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। ये टीम जो पहले बिना फाइट के ही सरेंडर कर दिया करती थी, पर अब दादा की कैप्टनसी में इंडिया न सिर्फ टेस्ट बल्कि ओडीआई मैचेस भी भारत से बाहर जाकर जीतने लगी थी। दादा को टैलेंट की भी अच्छी परख थी। अपनी कैप्टनसी के टेन्योर के शुरुआत से ही गांगुली ने कुछ खिलाड़ियों को पहचान लिया था जो स्पेशल टैलेंट और टेम्परामेंट रखते थे, जो भारत को मैच जिता सकते थे, और गांगुली ने इन खिलाड़ियों को हर सिचुएशन में बैक किया। वह कैसे मजबूत लीडर और मेंटर थे जो उन खिलाड़ियों के टैलेंट को पहचान कर उनका बेस्ट सामने लाने में हेल्प करते थे। कई बार सेलेक्टर्स युवराज, जहीर खान और हरभजन सिंह को उनके खराब फॉर्म के वक्त ड्रॉप करना चाहते थे, पर गांगुली ने इंश्योर किया कि वो टीम में ही रहे। ये खिलाड़ी जिन्हें गांगुली ने बैक किया वो आगे चलकर अपने आप में एक लेजेंड बन गए।
और इंडिया का 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में ODI वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। हर रिकॉर्ड देखें तो गांगुली ने 146 ODI और 49 टेस्ट मैचों में इंडिया की कैप्टनसी की, जिसमें 76 ODI और 21 टेस्ट मैचों में इंडिया को जीत मिली। ये नंबर इंप्रेसिव तो है ही, पर ये पूरी कहानी बयान नहीं करते। 1990 के दशक में इंडिया घर में तो मजबूत टीम थी, पर इस पूरे दशक में इंडिया ने इंडिया से बाहर जाकर सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता था, वो भी 1993 में कमजोर श्रीलंका टीम के अगेंस्ट। पर गांगुली की कैप्टनसी में इंडिया ने ओवरसीज में जाकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराया। वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज तो नहीं जीत पाए, पर ड्रॉ कराने में सफल रहे, जो कि इस वक्त एक बड़ी बात थी। दादा अपने इन स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम के करेक्टर को रिबिल्ड करने के लिए जाने जाते हैं। एक टुकड़ा टुकड़ा में बिखरी टीम को जोड़ने और सक्सेसफुल बनाने में सही माइंडसेट देकर जितना सिखाने के लिए जाने जाते हैं। यंगस्टर जो कि आगे चलकर लीजेंड बने, उनको मेंटर करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। और इस तरह के और भी एनालिसिस वाले वीडियो देखने के लिए आप राइट साइड वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में।